after a long time आप टीवी पे आ रहे हैं एज अ जज डेब्यू कर रहे हैं सो हाउ एक्साइटेड वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि 25 साल पहले एक मिनट स्टार्ट हुआ था और जी टीवी से ही स्टार्ट हुआ था और वापस अगर आना है मतलब मेरे बीच में बहुत सारे रोल्स रहे थे बी एन आर्ट डायरेक्टर बी एट होस्ट बी एट मैं कमर्शियल आर्टिस्ट था इन इन HTA कमर्शियल तो वो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स निभाने के बाद डायरेक्टर बन गया एंड फाइनली जज आना पर जज बन के ना वो पहली यादें आ गई वापस यार यू नो वही फैमिली में वापस आ गया ZTV के फैमिली में वापस आ गया एंड सोचा था जज होऊंगा तो सीरियस होऊंगा लेकिन आके जब बच्चों को देख के दैट फन क्वालिटी इन बच्चा मैं बच्चा बन गया एंड जैसे मैं होस्ट करता था वैसे ही मैं जज कर रहा हूँ जैसे हमने AVs में देखा कि सबसे ज़्यादा फन करते तीनों जजेस में आप दिख रहे हैं कभी योगा हो गया या कुछ नागिन डांस किया है मैंने मतलब योगा ऐसा ऐसा किया वो एक तरह का ये यू नो विवेक जो मेरा दोस्त है और यू नो बहुत पहले से जानता है तो ओके ओके करके वो मेरी टांग खींचने लगा लेकिन उसको समझ नहीं आया कि मैं अभी भी वही हूँ और वैसे हूँ 50 साल का लेकिन उतना ही धमाल कर रहा हूँ जितना मैं पहले कर रहा तो उसने चैलेंज दिया था बट चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड फिर इट बिकेम अ पैटर्न कि देखिए अभी ओके के साथ करे क्या यू नो और क्या करके कर सकते हैं तो वो पैटर्न मतलब मज़ेदार हो गया एंड यस आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स तो कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं पैटर्न में आफ्टर मैरी कॉम एंड सरबजीत आप किस भूमि भी हुई थी अब है यूपी लगपी एक ऐसा स्पोर्ट है जो मणिपुर में खेला जाता है फिल्म तो है रग्बी पर लेकिन उसका जो बाप या माँ बोले तो वो है यूपी लगपी जो ओरिजिनेट हुआ है मणिपुर से मणिपुरी बिलीव दैट यहाँ से रग्बी का जन्म हुआ है तो ये उसकी कहानी है अब कास्ट तो मैं अभी ये प्लेटफॉर्म पर नहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर वापस जो अनाउंस करूँगा तो उस प्लेटफॉर्म पर अनाउंस करूँगा